भी दे रहे हैं। और नवा साहब जो कि सोचे कौन से आए हमने आज खड़े होकर आज उनको सबको समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार कमांडर कार को विसर्जन करें। शहीद रमेश लाल, शहीद रमेश लाल, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जिन साहब चुनाव शहीद रमेश लाल के क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से श्रद्धांजलि दी गई है क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है आपने देखा जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ एकत्रित हुए हैं वो हमारा एक वीर सपूत जिसका नाम रमेश लाल सुपुत्र चौधरी चेलाराम और बहादुर बड़ी पराक्रमी वीर हमारी जो कौम है जाट कौम उनसे संबंध रखता था और ख़ासकर देवा बटाला से उसके बुजुर्ग आए हुए थे। और देवा बटाला एक ऐसी जगह है तहसील भिम्बर में डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में वहाँ के लोग बहादुरी के लिए माने जाते हैं। 21 साल की अवस्था में जब वो आठ डोगरा में पुंछ में तैनात था अपनी देश सेवा के लिए तो आतंकवादियों के साथ मुकाबला हुआ। उसने ये परवाह नहीं की कि उसकी इतनी छोटी उम्र है बल्कि बहादुरी के साथ वो आगे बढ़ता गया आतंकवादियों को मुकाबला करते करते वो शहीद हो गया। आज हमारे लिए बड़ा दुख का दिन है जब हम उनकी 25वीं पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। हम सब लोग गम में डूबे हुए हैं उनको याद कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम ये महसूस कर रहे हैं गर्व महसूस कर रहे हैं कि वो हमारा बेटा था हमारा सपूत था हमारे बीच में सा था और उसने न केवल हमारा अपने परिवार का अपने इलाके का अपनी कौम का बल्कि सारे देश के नाम रोशन किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे देश की स्थिति है उसमें हमारी जो सीमाएं हैं चाहे वो हमारी सीमा चाइना के साथ हो चाहे पाकिस्तान के साथ हो अगर हमारी सीमाएं आज सुरक्षित हैं तो वो हमारी सेना की वजह से हैं। हमें गर्व है अपनी सेना पर नौसेना थल सेना वायु सेना हमें गर्व है हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है खासकर ये सुचेतगढ़ का बॉर्डर है जिसमें बीएसएफ के जवान तैनात हैं बॉर्डर पर। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग हम लोग इस बॉर्डर पर रहते हैं हमारे लोग एक सिपाही बन कर के बीएसएफ के साथ खड़े हैं और जब जब भी यह मुसीबत आई है चाहे वो 1957 था चाहे वो 1965 था 1971 था 1987 था या 2002 था जब उस समय के प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आर पार की लड़ाई की बात करी थी तो मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवान हमारे लोग सेना के साथ मिल कर के उन्होंने माइंस की परवाह नहीं करी बम्स की परवाह नहीं करी और पूरा साथ दिया। आज भी हमें गर्व है अपनी सेना पर और ख़ासकर हमें गर्व है ऐसे लोगों पर जैसे चौधरी चेलाराम जी का परिवार जिसके सुपुत्र रमेश लाल जी 1998 में शहीद हुए। और ये जो हमारा बॉर्डर है अगर कठुआ से लेकर पुंछ तक हम देखें
तो मैं समझता हूं कि इसमें सैकड़ों की संख्या में हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो करगिल का युद्ध था, चाहे वो 1947 था, 65 था, 71 था, सैकड़ों की संख्या में हमारे लोग शहीद हुए और परवानी करी। और आज भी ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नौजवान जो हैं, हर कम्युनिटी के हमारे जो नौजवान इस बॉर्डर पर रहते हैं, वो हमेशा तैयार रहते हैं फौज में जाने के लिए, सेना में जाने के लिए और देश की सेवा करने के लिए। हमें इस पर गर्व है। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं फिर अपनी ओर से, मेरे साथ इस समय ब्रिगेडियर सोंत्रा हैं, पवन सोंत्रा जी, और साथ में चौधरी मनमोहन सिंह जी हमारे फार्मर मेयर हैं जम्मू के हैं, और इसके साथ और भी हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोग हैं, हमारे सरपंच पंच हैं और हमारे यहाँ डीडीसी के मेंबर हैं। तो हम, मैं सबकी तरफ से शहीद रमेश लाल को दिल की गहराइयों से हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, और हम भगवान से ये दुआ करते हैं कि भगवान आप शहीद रमेश लाल जी का परिवार आगे बढ़े और उनका नाम हमेशा अमर रहे और लोग हमेशा उनको याद करते रहे। हमें आपकी शहादत पर पूरा गर्व है।